जो इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर हरिकेश बहादुर के, जिस तरह से अभी हमने देखा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और कोहरे के भी हालात हो रहे हैं, रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अगर हम वाराणसी की बात करें तो किस तरह का मौसम है वहाँ पर? रेशमा, मैं आपको बताऊं कि कोहरा तो था ही और आज सुबह हम लोग निकले हैं तो मैं मार्कंडे महादेव में हूं इस समय रेशमा, और मार्कंडे महादेव ये गंगा जी के किनारे जो कि साइबेरियन पक्षी जिनको प्रवासी पक्षी कहते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और आस्था जो हमारी आस्था है मार्कंडे महादेव में, आप देख सकती हैं कि लोग सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं गंगा जल देने से लेके जो गंगा जी में चढ़ाते हैं उसके लिए और गंगा जल लेने के लिए भी, तो आस्था जो है वो इस ठंड पर जो है भारी पड़ रही है। कोहरा आज कम है और वाराणसी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, वहीं पे मैं गंगा के किनारे हूँ और मेरे ठीक पीछे ये गोमती का संगम जो बनता है गंगा जी के साथ वो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का। रेशमा, हमारे साथ एक श्रद्धालु भी आई हुई हैं जो गंगा महादेव के दर्शन करने के लिए, आप क्या कहेंगी, ठंड तो है ही लेकिन श्रद्धा भी है, आप लोग आए हो दर्शन करने? श्रद्धा तो ऐसी है, देख लीजिए ठंड पड़ रही है, लोग स्नान कर रहे हैं, समझ लीजिए सनातनियों में इतनी श्रद्धा है कि बाबा विश्वनाथ से लेके मार्कंडे महादेव जी के गंगा जी में आज और कहीं भी आप देख लीजिए स्नान चल रहे हैं, चाहे वो 0 डिग्री भी हो जाए तो श्रद्धा तो कहीं जाने वाली है नहीं। ये मार्कंडे महादेव के बारे में क्या कहेंगी, चूंकि इतनी आस्था है लोगों की, इतनी दूर से आते हैं और यहाँ पे घाट भी पक्के मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हरिकेश जी, हरिकेश हम ये कह सकते हैं कि वाराणसी हो या फिर दिल्ली हो, महेंद्र पांडे जी कार्य तो कर रहे हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी जगह के कार्य बहुत जोर शोर में चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन है कि यहाँ भी लोगों की जो सुख सुविधाओं पे, सारी चीज़ों पे और अच्छे से एक बार वो नज़र देख लेंगे ना तो यहाँ की जनता का कल्याण हो जाएगा, बस यही कहना चाहती हूँ। ये जैसे बाकी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनरोद्धार हो रहा है, वैसे ही इनकी मांग है कि मार्कंडे महादेव जो बहुत ही महत्ता रखता है, बहुत ही आप कह सकती हैं सनातन के जो लोग हैं वो मार्कंडे महादेव के मंदिर में आस्था रखते हैं, तो इसका भी पुनरोद्धार अगर हो, ऐसी मांग है इनकी और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं आते हैं उनकी भी। बिल्कुल हरिकेश जी, ये कहा जा सकता है कि हमेशा से जो श्रद्धा है वो कोई भी मौसम हो उस पर हावी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के।